यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव 20 नवंबर को होने हैं। इस बीच कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और एक अन्य आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। जस्टिस राजीव गुप्ता, जस्टिस सुरेंद्र सिंह प्रथम की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस अहम फैसले की अगले हफ्ते तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। बता दें कि अगर फैसला इरफान सोलंकी के पक्ष में आता है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी और फिर सीसामऊ में उपचुनाव भी नहीं होगा। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी और उनके भाई पर आरोप है कि उन्होंने कानपुर की एक महिला का घर जलाने की साजिश रची थी। इसी मामले में MP MLA स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा को रोकने और जमानत दिए जाने की मांग करते हुए सोलंकी बंधुओं ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। वहीं यूपी सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि इरफान सोलंकी और उनके भाई की 7 साल की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को प्राथमिकता देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को 10 दिनों के भीतर अपील निपटाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट से अगर इरफान सोलंकी की सजा पर रोक लगती है तो फिर उनकी विधानसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी। इस सूरत में सीसामऊ सीट पर हो रहा उपचुनाव भी रुक सकता है। आपको बता दें कि कानपुर की सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।